मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YT प्रेपअप में। तो हम SSC के 1000 क्वेश्चन सीरीज में साथ में जुड़े हैं जनरल साइंस का, और उसमें हम पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये हमारे जो अभी क्वेश्चन सेशन चल रहा है ये बायोलॉजी का चल रहा है, और हम अभी जो हमारा टॉपिक है वो साइटोलॉजी का है। साइटोलॉजी जिसमें कि हम एक सेशन कर चुके हैं, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के सेशन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन हम पहले कर चुके और एक सेशन आज। आज हो सकता है क्वेश्चंस कुछ कम भी हो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो इतना ही है, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के आज के पहले सवाल को देखते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट का जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है। किसका? सेलुलोज का। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट सवाल देखते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इन टू द सेल थ्योरी? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी में सेट नहीं करता है? तो सेल थ्योरी सबसे पहले क्या बोला गया है? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है जो न्यू सेल है वो अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑप्शंस देखते हैं हमारा क्या बोलता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी प्लांट्स। तो बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स, ये जो है हमेशा अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। बट वायरस जो होता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक वायरस 100 साल तक भी एक जगह पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये रिएक्ट करेगा नॉन लिविंग के तरह, और लिविंग थिंग्स के साथ रिएक्ट करेगा लिविंग थिंग्स के तरह, ठीक है। ये दोनों केस में जिंदा रहता है, लिविंग थिंग्स के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी के साथ भी। तो ये जो है कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारा आंसर यही होगा। ये सेल थ्योरी पे बिल्कुल वैलिड नहीं है, ओमनी सेलुला ई सेलुला पे बिल्कुल वैलिड नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वायरस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which liquid is contained inside the nucleus of a cell? कौन सा लिक्विड जो होता है न्यूक्लियस के साथ होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। तो कौन सा होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which of the following cell organelle is present only in plant cell? आपको यहां पे जो दिख रहा है ऑप्शंस में सेल ऑर्गेनेल, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट्स में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट दोनों में होता है, सेल वॉल, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? ऑप्शन ए परमिएबल, ऑप्शन बी सेमी परमिएबल, ऑप्शन सी नॉन परमिएबल, ऑप्शन डी फ्रीली परमिएबल। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेमी परमिएबल, ऑप्शन बी। बिना कुछ देरी नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो सुसाइडल बैग कहलाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग कहलाता है, जो हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है। वो सेल को क्या करवाता है? सुसाइड करवाता है। कैसे? कोई सेल इन्फेक्ट हो गया है, मान लेते हैं किसी एरिया का एक सेल इन्फेक्ट हो गया, अगर इसका सुसाइड लाइसोसोम नहीं करवाएगा क्या होगा?
इसका इंफेक्शन दूसरे सेल को ही मिलेगा, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल। उसी लिए से इंफेक्शन को रोकने के लिए लाइसोजोम जो है इसको सुसाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बात हम कर चुके हैं सबसे पहले सवाल में ही। ठीक है, सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो प्लांट है जो सेल वॉल किस चीज का मेनली बना हुआ है? तो सेलुलोज का, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइटोलॉजी का था, सेल का था। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें क्लास में जल्दी मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।